नमस्कार दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन ने पाकिस्तान के कराची शहर को टूरिज्म के मामले में सेकंड रिस्कीएस्ट सिटी का खिताब दिया है। अब ये सेकंड रिस्कीएस्ट सिटी, ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम जब आता है तो दो चार नाम आपके दिमाग में वैसे भी घूमने लगते हैं, टेररिज्म, क्राइम, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से हट करके भी इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें बात करूंगा। और ये पाकिस्तान में देखो, अगर आप टूरिज्म के तौर पर देखो तो चार पाँच शहरों को शायद आप भी जानते होंगे। लाहौर है, उसमें गिने चुने चार पाँच ही शहर हैं जहाँ पर पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए लोग जो है वहाँ पर करते हैं। जैसे आप लाहौर को जानते होंगे, आप कराची को जानते हैं, इस्लामाबाद को जानते होंगे, पेशावर है, मुल्तान है, स्कर्दू बहुत सुंदर जगह पाकिस्तान के अंदर में। तो ये चार पांच शहर है जिनको, जहां पर टूरिस्ट जो है ज्यादा जाते हैं और यहां पर ज्यादा टूरिस्ट पहुंच करके रुकने के प्रयास करते हैं और यहां पर घूमने का प्रयास करते हैं। जैसे कराची में कुछ जू वगैरह हैं जहां पर लोग विजिट करते हैं, जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं वहां पर। तो अब यहां पर कराची को फोर्ब्स मैगजीन ने कई सारे वेक्टर्स के ऊपर जज करके इसको सेकेंड रिस्कीएस्ट सिटी का खिताब दे दिया है। अब ये पाकिस्तान ने बहुत तरीके की समस्या है। देखो, टेररिज्म तो है ही, ये तो अपने चलता ही रहता है। टेररिज्म तो कब किस शहर में टेररिस्ट अटैक हो जाए, शायद आपको श्रीलंका वाला मैच याद होगा, जो श्रीलंका का मैच चल रहा था बीच स्टेडियम में, फिर एयरलिफ्ट कराया गया श्रीलंका टीम को पाकिस्तान से, वो बस में अचानक से रोड पर अटैक हो जाता है उनके ऊपर AK-47 से, और उसमें कई बड़े प्लेयर्स को, अजंता मेंडिस जो कि बहुत बड़े बॉलर हुआ करते हैं उनको गोली लग जाती है, संगकारा, जयवर्धने जैसे बड़े प्लेयर्स को भी घायल हो जाते हैं, तो वो आपने सुना होगा। तो वैसी घटनाएं जब इंटरनेशनल टीम पर बड़ी घटना हो सकती है, तो आप तो फिर भी टूरिस्ट हो, आम आदमी हो जो आप वहां पर जाओगे। इसके ऊपर बकायदे बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और अभी जब मैं इस वीडियो के लिए देख रहा था तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्री में मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेड देखा उसमें, कि एक आदमी पूरा अपनी कहानी बता रहा है कि वो कराची शहर गया हुआ था। इसको सेकंड रिस्कीएस्ट शहर क्यों कहा गया अभी मैं आपको समझाता हूँ, कि वो पर्सन गया हुआ था कराची में, और कराची में जब वो पर्सन पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग कराची में मिले, ऐसे लोग, मतलब ऐसा एक धारणा बनी हुई है कि टेररिज्म ही है पाकिस्तान है तो, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स से बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर मिले। लेकिन जैसे मैं कुछ दूर आगे जाता हूँ, पुलिस वाले वहाँ पर रोक लेते हैं और मुझे परेशान करने लगते हैं। सबसे पहले ज़बरदस्ती मेरी आईडी और ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, और तमाम सारी आईडीज़ मैंने दिखाया, फिर भी पैसे मांगते हैं मुझसे, हालांकि मुझे उनको पैसे देने भी पड़ते हैं, क्योंकि मेरा ड्राइवर जो था उसने कहा कि साहब इनको पैसे दे दो, अदरवाइज आपको फंसा देंगे। उनको पैसे दे देता हूँ, तो पुलिस से बहुत ख़राब मेरा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद थोड़े दूर आगे गया हुआ था और पूरी फैमिली के साथ ये पर्सन, ये जनाब गए हुए थे पाकिस्तान के कराची शहर में। तो थोड़ी दूर पर वो पहुंचते हैं, कार में बैठे होते हैं, और तब तक एक पर्सन आता है और उनको चाकू दिखा करके उनका मोबाइल छीन लेता है। उसके बाद उनके पर्स लेकर के बकायदे उसमें से पैसे निकालता है, और ये बीबीसी के डॉक्यूमेंटेड, मतलब डॉक्यूमेंट्री है कराची के ऊपर, उसमें बकायदे एक आदमी अपनी कहानी आप बीती सुना रहा है। वो US का पर्सन था जो कि कराची में टूरिज्म पर्पज से गया हुआ था, वो पूरे वर्ल्ड टूर कर रहा था, तो उसी के दौर में वो पाकिस्तान में था और कराची में अपनी फैमिली के साथ वो रुक रहा था। तो वहाँ पर जैसे ही ये सारी घटना उसके साथ होती है, वो वहाँ से तुरंत अपनी टिकट अगले दिन की बुक कराता है और उधर से निकल लेता है कराची से, और वो तुरंत कराची से निकल के इंडिया चला जाता है। तो उस पर्सन का खुद ये कहना था कि उसके बाद जो पाकिस्तान की मेरी और सिटीज़ में ट्रिप थी वो सारी मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और बताया गया कि सबसे ज़्यादा रिस्क तो आपके पर्सनल लाइफ को रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी टेररिज्म की घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो प्रॉब्लम है मेन, वो सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। उस सिटी को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है उस सिटी में, और सैनिटेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी टूरिस्ट बहुत हिचकते हैं कराची में जाने की वजह से। और इसीलिए कराची को फोर्ब्स मैगजीन ने कई सारे फैक्टर्स के ऊपर रैंक करके सेकेंड रिस्कीएस्ट सिटी बोला है। इसमें जो पूरी कराची की जो ओवरऑल रेटिंग आई है आउट ऑफ 100, वो 93.12 रेटिंग आई है। अब इसमें पाकिस्तान के कराची शहर के अलावा वेनेजुएला का कराकस शहर है, और उसके अलावा तीसरे नंबर पर म्यांमार का यांगोन शहर है। तो अब देखिए, वेनेजुएला का कराकस शहर क्यों आया है, इसके पीछे का कारण आपको पता होगा। देखो, वेनेजुएला में बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कि वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हैं। US ने वहाँ पर सिविल वॉर एकदम से क्रिएट किया हुआ है, और क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है, वो अलाइंड है रशिया एंड ऑल रशिया वाले पावर ग्रुप की तरफ, तो इस वजह से US वहाँ पर ऐसी हरकतें करता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले एक US स्पाई को वेनेजुएला की सरकार ने अरेस्ट भी किया था, उसने सारी चीज़ें ऑन कैमरा बताई थी कि US कैसे इस कंट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो का इस कंट्री का फोर्ब्स की निगेटिव लिस्ट में आप नाम हमेशा देखोगे। उसके अलावा जैसे आप नाइजीरिया का नाम देख लोगे फोर्ब्स की निगेटिव लिस्ट में, कांगो का नाम देख लोगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नाम आप फोर्ब्स की निगेटिव लिस्ट में देख लोगे, इन सारी कंट्रीज का नाम आपको मिल जाएगा फोर्ब्स की निगेटिव लिस्ट में, क्योंकि ये कंट्री में सरकार ही डिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए वहां पर डिस्टर्बेंस रहता है। उसके अलावा म्यांमार का यांगोन शहर का नाम क्यों आया, ये भी आप गेस कर लोगे, क्योंकि म्यांमार में भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हैं। अब जैसे 2021 में वहां पर मिलिट्री कू हुआ, सरकार चली गई, वहां पर मिलिट्री
गवर्नमेंट बन गई, मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर जो एथनिक आर्मीज थी जो अपना अपना अलग अलग देश बनाना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ी आर्मी अलग कान लिबरेशन आर्मी, उन लोगों ने हथियार बना लिए, उठा लिए और उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक जॉइंट फ्रंट बना करके मिलिट्री से लड़ाई शुरू कर दी। तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, वहाँ पर पर्सनल लाइफ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों कंट्रीज़ को तो आप वैसे भी रूल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर बचता जो है वो पाकिस्तान का कराची शहर बचता है, और पाकिस्तान के कराची शहर में कई सारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे पाकिस्तान के कराची शहर में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी का रिस्क है। पर्सनल सिक्योरिटी के रिस्क में नंबर एक पर आता है पाकिस्तान का कराची शहर। अब मैंने आपको बताया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कैसे वो पर्सन अपनी आप बीती बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, तो पर्सनल रिस्क में ही ये सारी चीज़ें आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हेल्थ सिक्योरिटी रिस्क में भी 6 नंबर पे है। मैंने आपको बताया कि सैनिटेशन की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के कराची शहर में, और सैनिटेशन के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है जो टूरिस्ट को फेस करनी पड़ती है वहाँ पर, ट्रैवल इश्यूज जो हैं, कि कनेक्टिविटी बहुत बहुत ख़राब है पाकिस्तान के कराची शहर में, या पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है। लाहौर में ठीक है कनेक्टिविटी, वहाँ पर मेट्रो रेल नेटवर्क है, लाहौर में ही पाकिस्तान के मेट्रो रेल नेटवर्क है। जो पहला मेट्रो रेल नेटवर्क आया था वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में आया था, लेकिन ये कराची में नहीं हो पाया। कराची में सिर्फ बस सर्विस है, और बस सर्विस की स्थिति वहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, तो वो स्थिति आप समझ ही रहे हैं। और ट्रैफिक के जैसे वहां पर जो है ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे वाटर का एक बहुत ज़बरदस्त कराची का इशू है कि पानी जो है वहाँ पर सरकारी पानी ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टैंकर वहाँ पर टैंकर पानी प्रोवाइड होता है, टैंकर माफिया जो है वहाँ पर आपको कराची शहर में देखने को मिलेंगे ज़बरदस्त तरीके से, तो वो टैंकर से पानी आता है तो उसमें पानी का इशू बहुत ज़्यादा कराची में रहता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इशूज जो हैं वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रिस्क में भी 4th नंबर पर कराची शहर आता है पाकिस्तान का। तो ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के कराची शहर में आपको मिल जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, पर्सनल सिक्योरिटी रिस्क की प्रॉब्लम रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, और उसके साथ में प्लस में आपको 2 प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान के हर शहर में मिल जाएगी। वो प्रॉब्लम है एक तो टेररिज्म की, और दूसरी जो है वो क्राइम्स की। अब देखो टेररिज्म और क्रिमिनल्स दोनों को आप एक ग्रुप में ही जोड़ लीजिए। क्यों आप जोड़ लीजिए एक ग्रुप में? क्योंकि ये टेररिज्म जो है ना, जो लोग ये टेररिज्म करवाते हैं वही क्राइम्स भी करवाते हैं, उनको पैसा भी तो कमाना है। वो पैसा नहीं कमाएंगे तो ये बड़ी बड़ी टेररिस्ट घटनाएं दूसरे देशों में करवाएंगे कैसे? तो पैसा कमाने के लिए ये क्रिमिनल्स को पालते हैं, और आपको ये देखने को मिलेगा जैसे ये क्रिमिनल्स हैं, गन सप्लायर्स हैं, ड्रग सप्लायर्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के शहरों में ज़बरदस्त ड्रग्स बिकता है, ज़बरदस्त तरीके से ड्रग्स स्मगलिंग होती है, और ये स्मगलिंग सब कौन करवाते हैं? वही लोग करवाते हैं जिन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट आउटफिट बना रखे हैं, जिनको ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स कहते हैं, उनके जो आका बैठे हुए हैं, सब जैश ए मोहम्मद मोहम्मद के जो आका बैठे हुए हैं, यही ये ड्रग स्मगलिंग वगैरह करवाते हैं, जिस वजह से वहाँ के जो यूथ है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब रहता है, वहाँ पर ज़बरदस्त समस्या है। और इसीलिए सिर्फ फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट ही नहीं, अभी US स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कराची को 2nd वर्स्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड सेफ्टी के तौर पर US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा। इवन US स्टेट डिपार्टमेंट ने बकायदे सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि कराची जो है वो 2nd वर्स्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल सेफ्टी। तो अपने लोगों को मतलब ये बताया था कि आप वहाँ पर कम से कम जाइए, मतलब अवॉइड करिए कराची जैसे शहरों में जाने के लिए, क्योंकि आपकी जान को वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो इस स्थिति है, और कराची, और सिर्फ ये US स्टेट डिपार्टमेंट ने, इसके अलावा 2017 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने भी कराची को 2nd वर्स्ट सिटी का यहाँ पर खिताब 2017 में दिया था, क्योंकि इसका बार बार जो है कराची शहर का नाम अनलिवेबल सिटीज़ में आ रहा था। तो वहाँ पर आप एक बार कराची, अगर जिस लोगों जिन्होंने विजिट किया होगा उनको पता होगा कि वहाँ पर सैनिटेशन की तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इश्यूज रहते हैं, लाइट बहुत कम आती है, आती है फिर चली जाती है। लाइट की तो प्रॉब्लम पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द शहर में, आप बलूचिस्तान प्रोविंस में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको लाइट की ज़बरदस्त प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान के कराची शहर में बहुत ज़्यादा है। अब इसके अलावा अगर आप सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जो बेस्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर टूरिज्म के तौर पर आप जा सकते हो उसमें देखा जाए, तो सिंगापुर को 1 पर रैंक किया गया है। इसमें इसकी रैंकिंग जो है, इसका जो पॉइंट है वो 0 है, तो यहाँ सबसे बेस्ट सिटी है। 2nd नंबर पर जापान की टोक्यो सिटी आ जाती है, जिसकी रैंकिंग है 2nd, और इसका पॉइंट है 10.72 रेटिंग है। और उसके बाद कनाडा का टोरंटो शहर है, वो 13.6 पॉइंट के साथ 3rd नंबर पर है। तो ये तीनों जो हैं, मतलब
मतलब सिंगापुर सिटी, उसके बाद जापान का टोक्यो और कनाडा का टोरंटो शहर, ये तीनों जो हैं बेस्ट सिटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, और टूरिस्ट यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं हर तरीके से, ये बेस्ट सिटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज़ ने वो मेंटेन भी किया, इनकी गवर्नमेंट्स ने वो मेंटेन किया है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी के तौर पर, और सिंगापुर में तो ज़बरदस्त सेफ्टी है। सिंगापुर जिन लोगों ने विजिट किया उनको पता होगा, सिंगापुर और जापान में ज़बरदस्त सेफ्टी है। एवरी 100 meters यू गेट अ पुलिसमैन इन जापान। माई वन ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड और वो वहाँ की रियलिटी बता रहा था कि जापान में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इन सारे शहरों में, टोक्यो जैसे शहरों में इतनी भीड़ है कि आप पागल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी के टर्म्स में बहुत सही शहर है, बिकॉज हर 100 meters पे आपको वहाँ पर पुलिस पर्सनल्स मिलते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट पर्सनल्स। ऐसा नहीं कि पैसा देके आप उनको खरीद लोगे, वो वाला सीन टोक्यो में जापान में बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर इस वजह से सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए उस सेकेंड नंबर पर ये सिटी आपको यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो पाकिस्तान का कराची शहर है वहाँ पर सैनिटेशन की ज़बरदस्त दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की ज़बरदस्त दिक्कत है और पावर आउटेज तो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ की जनता का सोचिए, जो लोग वहाँ पर रहते होंगे वो किस स्थिति में रहते होंगे। तो आप ये पूरा आर्टिकल समझ गए होंगे कि पाकिस्तान को एक और अचीवमेंट मिली है उनके बैंक में और कराची को सेकंड सबसे ज़्यादा खराब सिटी का खिताब दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, और बहुत सारे उसके कारण हैं, वो सारे कारण आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राह और ज़्यादा आसान कर दी है। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 23,999 कर दिया है। अच्छा, ये जो 15 मंथ्स का हमारा सब्सक्रिप्शन है इसमें कई सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी कोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम के भी कोर्सेज हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसके भी कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन कोर्सेज में पढ़ा रही होंगी। इन कोर्सेज में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी, और जो मेंस के आप आंसर्स लिखोगे उनको हर आंसर आपका इवेलुएट भी किया जाएगा। उसके साथ साथ एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसमें किए जाएंगे, लेक्चर्स के साथ आपको पीपीटीज भी मिलेगी, तो जो भी एनोटेशन जो भी टीचर पढ़ा रहा है क्लास में वो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो उससे काम आपका चल जाएगा, आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो उसको आप दोबारा देख सकते हो, अनलिमिटेड देखने का एक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म ही आपको दे सकता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइसेस हैं ये आज लास्ट डे है ऑफर का, और इसके बाद ये प्राइसेस बढ़ करके 30,000 के करीब हो जाएंगे, तो इसको आज ही अवेल कर लीजिए। और अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड इस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा, तो आप इस कोर्स को परचेस कर पाएंगे एट दिस डिस्काउंटेड प्राइस। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।